शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश के क्रम में शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों के एनसीसी कैडेटों ने रैली निकालकर आमजन को सिंगल यूज पॉलिथीन इस्तेमाल ना करने की अपील की और इससे होने वाले हानि के संबंध में आमजन को जागरूक किया। और इधर आओ सामने, आज के बाद इसको यूज नहीं करना, बैन है पूरी तरह से, अगर आगे से यूज करना जहाँ जाना। जैसे भी आपने बहुत अच्छा किया कि दुकानों से लोगों को बताया कि आपको प्लास्टिक बैन हो गया है, आपको प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, तभी हमारी आज की रैली सफल हो पाएगी। एज मास्टर ट्रेनर के रूप में आपको मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करना है। अब आपको एक ओथ दिलाई जाएगी, उस ओथ को आप लेने के बाद जो है अब यही ओथ आप अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में सबको बताएंगे कि आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आपके संज्ञान में है, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसके संबंध में 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, नगर निगम के सभी अधिकारियों ने मिलकर उस रैली का प्रतिनिधित्व किया और उस रैली को माननीय महापौर जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को जो प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है। आप भी देख रहे हो कि जो बारिश हो रही है, मानसून होता है, नगर निगम पिछले फरवरी के एंड से लगातार समस्त नालों के तली झाड़ सफाई में लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पे देखने में आता है कि जिसको कि मैं खुद भी महसूस करता हूँ, सर यहाँ तो इस नाले की सफाई नहीं है। होता क्या है कि 3 दिन के भीतर ही जिस भी नाले की सफाई होती, इतना ज़्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, जो अंकल चिप्स, अन्य जो इस प्रकार के जो प्लास्टिक के जो पैकेट्स में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके पैकेट्स इतने ज़्यादा संख्या में इसमें आ जा रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो नाला जो है उसकी सफाई हुई नहीं है। और नाले की जब सफाई पुनः कराई जाती है तो ऊपरी लेयर में तो ये सब चीज़ें तुरंत जहाँ निकलती है, लेकिन नीचे कहीं भी सिल्ट नहीं मिलती है। जो रोक है, प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है, उसके संबंध में सबको जागरूक करते हुए कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो हमें देखना होगा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें इतना अच्छा एक वातावरण दिया है, शुद्ध हवा जिसमें हमको मिल रही है, हम क्या अपने बच्चों को इस प्रकार का एटमॉस्फियर दे पाएंगे? ये आज सबसे मूल प्रश्न बन गया है, मुख्य प्रश्न बन गया है, और हमें इसमें गंभीरता से चिंतन करने का होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें, हम सबको कोसेंगी, हमें धिक्कारेंगी कि आपने ये क्या कर दिया जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। इसी को उद्देश्य को लेकर